खरगोन के नंदगांव बगूद में मां चामुंडा गरबा मंडल और अमोदे ग्रुप के तत्वावधान में बुधवार रात रंगारंग गरबा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 10 से अधिक टीमों ने हिस्सा लेकर शानदार प्रस्तुति दी और दर्शकों का मन मोह लिया। बताया जा रहा है कि प्रथम इनाम 21,000, दूसरा 11,000 और तृतीय विजेता को 5,500 रुपये की राशि देकर पुरस्कृत किया गया है। इस दौरान आयोजनकर्ताओं ने बताया कि नव दुर्गा पर्व के बाद परंपरागत तौर पर आयोजन करके लोगों में मनोरंजन के साथ धार्मिक आस्था से लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। को लेकर आज आयोजन किया गया, कार्यक्रम का ऐसा कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है। विगत 3 सालों से जो महामारी के बीच में जो लोग पड़े हुए थे, अपने आप को असहाय समझ रहे थे और इस प्रकार से अभी कोई ऐसे इस क्षेत्र में आयोजन नहीं होते हैं, आयोजनों को देखने के लिए लोगों को शहर की ओर कुछ करना पड़ता है, तो महेश भाई और चंदन भैया ने एक ऐसी रूपरेखा तैयार की। इस मंच पे और इस ग्राउंड पे हम 2019 में भी एक प्रोग्राम कर चुके थे, जिसमें विगत आसपास के 25 से 30 गांव के लोग इस कार्यक्रम में मौजूद रहे थे और उसी रूप को एक देखते हुए भाई महेश जी और भाई चंदन जी ने एक छोटा सा प्रयास और किया। हम 3 लोगों ने आपस में बैठकर एक डिस्कस की कि भाई बहुत लंबे समय से लोग अपने चेहरों पर हंसी नहीं ला पाए, तो इस कार्यक्रम को हम मूर्त रूप देने जा रहे हैं। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? विगत हमारे पास टीमें 25 आई है, 16 टीमों की हमने एंट्री की है, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और समय की महत्वता को देखते हुए हम 16 टीमों को यहाँ पर आमंत्रण दे रहे हैं। इसमें प्रथम पुरस्कार 21,000 रुपए है, द्वितीय पुरस्कार 11,000 रुपए है और तृतीय पुरस्कार 5,500 रुपए है। क्या नाम है आपका? अशोक पाटीदार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।